फैजाबाद जिले में लगातार बढ़े कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण वाहन चलाने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने को छिपाने के लिए तरस रहा है। सरकारी व गैर सरकारी लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह बड़े बुजुर्ग लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। शहर के जिला अस्पताल में हार्ट, कोल्ड, डायरिया के अधिकतर मरीजों का तांता लगा हुआ है और डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि नगर निगम द्वारा जहां 450 स्थानों पर अलाव जलाने की आदेश है, वहां केवल कुछ स्थानों पर ही अलाव जलते दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर सिर्फ एक अलाव दिखावटी तौर पर जलता दिखा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी घंटे लेट चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को कड़ाके की इस भीषण ठंड में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पर इससे जिले के जिम्मेदार अफसरों पर क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ पर खड़े हैं, कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? सर, मुझे यहाँ पर खड़े हुए एक घंटा हो गया है। कहाँ जाना है और कहाँ? MP उज्जैन जाना है। मेरी गाड़ी 5 घंटा लेट है, लेकिन कोहरा इतना हो रहा है यहाँ पे कि मेरे साथ में पूरी फैमिली है और उनके लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम 40 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं कोहरे में, ठंड के अंदर। एक प्लेटफार्म, दो प्लेटफार्म, तीन प्लेटफार्म, दो कमरे बना रखे हैं वेटिंग रूम के लिए, दोनों फुल हाउस हो रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, कोहरे से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था या कुछ ऐसा है? कुछ भी व्यवस्था, कोहरे से बचने के लिए यहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। एक अलाव जल रहा है, उसमें क्या कैसे क्या है? एक अलाव के अंदर 2000 लोग कहाँ से आ जाएंगे? आप रजिस्ट्रेशन पे देख लीजिए कितनी तादाद में लोग बाहर अपने अपने इंतजाम करके बैठे हुए हैं। यहाँ के नगर निगम कुछ एक ही, सबसे पहले यहाँ पे वेटिंग रूम की व्यवस्था करी जाए, और सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, जो 60+ हो गए हैं, उन लोगों का स्पेशल ध्यान रखा जाए, उन लोगों के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाए। साथ में आमजन जो व्यक्ति यहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनके लिए भी इंतजाम किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान अली है, मैं मध्य प्रदेश उज्जैन। अयोध्या फैजाबाद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा नए RT स्टेटिक हैंड हेल्ड सेटों की मांग उत्तर प्रदेश शासन से की गई थी। शासन द्वारा स्वीकृत पर उत्तर प्रदेश पुलिस दूर संचार मुख्यालय महानगर लखनऊ से 211 स्टेटिक एवं 250 हैंड हेल्ड सेट जनपद फैजाबाद को प्रदान किए गए। आज दिनांक 8/1/2018 को पुलिस अधीक्षक नगर फैजाबाद द्वारा थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी चीता मोबाइल को अपने दिशा निर्देशन में नए वायरलेस सेट सतर्क सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं उत्तम संचार व्यवस्था हेतु प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम SP सिटी के ऑफिस में संपन्न हुआ। रोल है? हाँ, रोल। नहीं, नहीं, नहीं। आज हमारे जितने शहर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज हैं और जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल मोबाइल चलती है, उसको चीता मोबाइल हम लोग कहते हैं, नाम दिया है। तो हमको जो है अभी शासन द्वारा हैंड सेट जो होते हैं, हैंड सेट वायरलेस के और जो स्टेटिक सेट हैं, तो करीब 250 की संख्या में मिले हैं। ये सेट बिल्कुल बड़े आधुनिक ढंग के और डिजिटल हैं, इससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जो पुराने सेट थे उसमें कई ऐसे थे कि चार्ज करो तो बैटरी थोड़ी देर बाद उसकी लो हो जाती थी, आवाज़ नहीं मिलती थी, तो परेशान रहते थे, कॉल करने पे आवाज़ मिली नहीं, कहीं हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्यों नहीं ये समय से रिस्पांस किए। अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा जो अयोध्या फैजाबाद का बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। कितना सेट मिले हैं सर? इसमें 211 स्टेटिक और 250 स्टेटिक सेट हैं। 250 स्टेटिक मतलब जो अस्थाई होते हैं, जो गाड़ी में और थाने पे होते हैं, और 250 हैंड हेल्ड सेट हैं जो हमारे सब लोग लेके चलते हैं कैरी करने के। सारे अधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय से लेके SSP महोदय से लेके सभी जो अपने प्रशासन से जुड़े अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, सबको वितरित किया जाएगा। इससे क्या लगता है आपको, कैसे व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होगा? भाई, कम्युनिकेशन मेन है। पुलिस में कोई सूचना मिली और हमें किसी कहीं भेजना है, जब कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो तत्काल कार्रवाई प्रभावी होती है, यानी क्राइम जो है कंट्रोल में आएगा इससे। हाँ हाँ, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का अपराध बहुत इस पर फायदा होगा, विशेषकर मेले में तीर्थयात्री आते हैं जो अयोध्या की व्यवस्था, उससे बहुत फायदा होगा।
शहीद स्मारक समिति के तत्वाधान में भारतीय सीमा के प्रहरी भारतीय सेना सीआरपीएफ व जम्मू कश्मीर के सिपाही पर आतंकी हमले में शहीद जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन डीपी तिवारी ने शहीदों को पुष्पांजलि किया। विशिष्ट अतिथि सुधीर नाग चौरसिया, नगर अध्यक्ष भाजपा सुधीर नारायण श्रीवास्तव, पार्षद राजीव कुमार शुक्ला, मनीष कुमार पांडे ने शहीद स्मृति चौक पर पुष्प अर्पित किया। आज आप यहां पर जो है श्रद्धांजलि दिया है, क्या वजह थी आज आप चौक में आए हैं, क्या है? भारतीय सेना के जवान, चार जवानों को कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने या आतंकवादियों ने जो उनके ऊपर घात लगा करके हमला किया और उनको जान से हाथ धोना पड़ा, उन शहीद हुए सैनिकों को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और इस अवसर पे हम लोग श्रद्धांजलि देने के बाद ये संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान होश में आ जाओ, नहीं इस दुनिया से, दुनिया के नक्शे से तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये आज के इस श्रद्धांजलि के बाद हम लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए उनको चेतावनी देते हैं। क्या नाम है आपको? दिनेश जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी। श्रीराम अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं पर वहां का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे रिपोर्टर सुबोध श्रीवास्तव दोपहर में जब अस्पताल पहुंचे, तो वहां बिजली गायब थी एवं जनरेटर चल नहीं रहा था। सभी मरीज अंधेरे में पड़े थे, क्योंकि ठंड की वजह से खिड़की दरवाजे बंद थे तथा कोई भी काम लाइट न होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। जब जनरेटर चालक से पूछा गया कि जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हैं, तो उसने बताया कि डीजल नहीं है, कैसे चले। यह हाल है श्रीराम अस्पताल का। आज अयोध्या में एसएसपी के निर्देश पर साकेत महाविद्यालय से श्रृंगार हाट अयोध्या तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें थाना राम जन्मभूमि प्रभारी सहित निर्मल सिंह व पूरा स्टाफ लगा रहा। इस दौरान डीएल, आरसी, हेलमेट एवं प्रदूषण की चेकिंग की गई। आरजेबी प्रभारी ने बताया कि इस दौरान 35 गाड़ियों का चालान हुआ, 2500 रुपया समन शुल्क वसूला गया तथा बिना परमिट दो टेम्पो को सीज किया गया।